आप देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब, सरहद के दुरुक्त शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के खिलाफ एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में लगातार आ रहे जलजिले और आफ्टर शॉक्स की वजह से खौफ में अवाम। और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खिजा का खूबसूरत नजारा देखने पहुंच रहे हैं सैयाह। नाम निहाद आजाद कश्मीर पाकिस्तान के गुलामी में जकड़ा हुआ वो खित्ता है जिसका पाकिस्तान मालिक बना हुआ है। यहां छोटा बड़ा हर फैसला इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों और रावलपिंडी में बैठे फौजी जनरलों के हुक्म पर होता है। इसलिए अवाम अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज करते नजर आते हैं, जबकि यहां बैठे हुक्मरान अक्सर ही इस्लामाबाद की मिजाज पुरसी करते दिखाई देते हैं। जो भी बगावत होती है वो आजादी के मतवाले कौम परस्तों और आम लोगों के जरिए ही होती है। ये कौम परस्त अक्सर आवाम को अपने हुकूक के लिए बावर करवाते भी नजर आते हैं। ऐसा ही इन दिनों नाम निहाद आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी फौजियों, नारेबाजी की शक्ल में नाम निहाद आजाद कश्मीर के आवाम का ये गुस्सा है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के खिलाफ, उस एजेंसी के खिलाफ जो इतनी ताकतवर है कि उसे स्टेट विद इन स्टेट कहा जाता है, वो आईएसआई जो भारत से लेकर अफगानिस्तान तक खूनी खेल में शामिल है, जो अपने कारनामों के चलते कश्मीर से लेकर क्वेटा तक बदनाम है, आज उसके खिलाफ लोग पूरी शिद्दत के साथ उठ खड़े हुए हैं। ये लोग न सिर्फ इस इदारे को बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान से रहेंगे आजादी, पाकिस्तान से रहेंगे आजादी। अगर इसके पीछे आईएसआई खड़ी होगी तो वो आपको किसी किनारे पे नहीं लगने देगी। उसने पाकिस्तान को किनारे पे नहीं लगने दिया, वो आपको कहाँ किनारे पे लगने देगी? वो आपको लड़ाएगी, मरवाएगी, फिर एक नया जनरल आ जाएगा, फिर कोई नई पॉलिसी आ जाएगी, आप फिर वही के वही रहेंगे। इस तहरीक को हमें अपने बंदों की पुष्ट बनाने की जरूरत है, अपने पैरों पर खड़ा करने की जरूरत है। और ये आजादी की तहरीक है, कोई एक दिन का शुगल शगल नहीं है कि मैंने 50 रुपए इसके पीछे कुर्बान कर दिए और अब मैं सोचू कल कश्मीर आजाद क्यों नहीं हुआ। ये एक लंबी जदोजोद है और कौम लंबी जदोजोद के जरिए से ही आजादी हासिल करती है, प्रोवाइडेड के वो अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर अपनी तहरीक को खुद लीड करें। मीरपुर ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तमाम शहरों में एहतजाज जोरों पर है। इस वजह से आवाम की मकामी पुलिस और फौजियों से भिड़ंत भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से आवाम में हौसला जरा भी कम नहीं हो रहा। मुख्तलिफ कस्म के धरनों में आए लोगों का कहना है कि बरसों से हम लोग इसी तरह बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये ज्यादती मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम तनवीर इलियास के खिलाफ भी अवाम में शदीद नाराजगी है। उनका कहना है कि इतना नाअहल वजीर आजम इस खित्ते को आज तक नहीं मिला। अभी हमने पीछे देखा, जिस पार्टी की हुकूमत बनी है उनके जो सदर थे जिन्होंने ये इलेक्शन लड़ा, उनके साथ पाकिस्तान ने क्या किया? और एक ऐसे बंदे को लाके बिठा दिया जिसका कोई इस्तेकाक ही नहीं बनता था। अगर रवायती सियासी इखलाकियात को भी मद्देनजर रखा जाए तो पार्टी प्रेसिडेंट का इस्तेकाक होता है, लेकिन एक ऐसे बंदे को लाया गया जो ना बोले और ना कोई बात कर सके और ना लिख पढ़ सके और ना उसको पता हो कि भाई क्या मायदा हो रहा है और क्या फैसला हो रहा है। वो इसी बात पे खुश हो जाए कि मैं वजीर आजम बन गया हूँ, मेरी इतनी औकात ही नहीं है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कोई नई बात नहीं है।
यही वजह है कि यहाँ अक्सर आज़ादी के लिए जलसे जुलूस देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत से लोगों को अपनी सरजमी छोड़नी पड़ी, लेकिन बहुत से आज़ादी के मतवाले यहीं रहकर पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों को चुनौती देते नजर आते हैं। खुशी की बात यह है कि मकामी आवाम भी अब बाशऊर हो चली है। यकीनन ये तौकीर गिलानी जैसे कौम परस्तों के जरिए की जा रही तकरीरों का असर है। गोली बंदूक से निकल जाए, तीर कमान से निकल जाए तो वो वापस नहीं आता, लिहाजा हमने उन हाथों को पहले काटना है जो उस तरफ जाएंगे, जो हमारे वतन के शख्स को मिटाने के लिए जाएंगे। इसलिए हमने प्लान बनाया मुजफ्फराबाद के असेंबली के आगे धरना देने का, और ये हम आपको जहाँ पे खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं वहाँ आपसे मदद लेने के लिए भी आए हैं कि यहाँ जो भी जिस जिस मकामात पे महबे वतन रियासत के गयूर बेटे बैठे हुए हैं, हमारा आखिरी पड़ाव, हमारी आखिरी मंजिल मुजफ्फराबाद होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान हुकूमत और फौजी जनरल हर महाज पर कश्मीरियों का खैर ख्वाह बनने का कोई भी मौका नहीं गवाती। चाहे कोई भी बैनल अक्वामी फोरम हो, अक्वामे मुताहिदा का प्लेटफॉर्म हो, या ओआईसी का फोरम, या फिर कोई बायलैटरल मीटिंग ही क्यों न हो, कश्मीर पर चर्चा करना इस्लामाबाद वालों के लिए सबसे जरूरी होता है। हालांकि अपने कब्जे वाले कश्मीर में, जिसे उसने नाम निहाद आजाद कश्मीर का तमगा दे रखा है, वहां की आवाम को भला उसने क्या आजादी दे रखी है, ये इस बात से ही जाहिर होता है कि लोगों से एहतजाज करने का हक भी वो छीन लेना चाहता है। ये भला कैसी जमहूरियत है, ये कैसा निजाम है, और ये कैसे लोग हैं जो इस तरह का रवैया रखते हैं। हमारे लोग पाबंद सलासा हैं, हमारे लोगों को जेलों में टार्चर किया जा रहा है, हमें इस चीज का एहसास है, लेकिन सलाम है अहले पुनू साहब को, आप परमन हैं, आप अगर चाहते अपने असीरान को जेलों के दरवाजे तोड़ के निकाल सकते थे। जिस तरह से कौम परस्तों के मुख्तलिफ ग्रुप बिना डरे तमाम तरह की हुकूमती ज्यादतियां और पाबंदियां बर्दाश्त करते हुए डटे हैं, उससे हुक्मरानों और एजेंसियों की नींद नदारद हो चुकी है। कोई भी हरबा, दबाव, चालाकी काम नहीं आ रही है। जिस तरह से कौम परस्त सामने आ रहे हैं, उससे आजादी के मतवालों का हौसला आसमान छूने लगा है, जबकि सरकारी पिट्ठू डरे सहमे घूम रहे हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर में आजादी के मतवालों की जद्दोजहद तो बहुत पहले से जारी है, लेकिन गौर फरमाने लायक बात यह है कि अब उन्हें मकामी आवाम का भरपूर साथ मिलता दिखाई दे रहा है, जो बेहद खुशी की बात है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। इन दिनों वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खिजा का खुशनुमा असर देखने में आ रहा है। चारों तरफ का नजारा बदल रहा है, हरे भरे चिनारों के पेड़ अब जर्द रंग में तब्दील हो रहे हैं। कुदरत के इस बदलते रंग में सैयाह अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वादी पहुंच रहे हैं और इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। वादी में साल भर सैयाहों का आना जाना लगा रहता है। बात अगर मौसमी खिजा की करें तो इस दौरान यहाँ पर सैयाहों की आमद किसी भी लिहाज से कम नहीं रहती, बल्कि वादी के एंट्री पॉइंट कहे जाने वाले श्रीनगर में टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। इस खुश्क मौसम में श्रीनगर में सब्जो शदाब चिनारों के पत्तों का रंग बदल कर जर्द हो जाता है। इस दौरान दूर दराज से आने वाले लोग सैरो तफरी के लिए सबसे पहले मुगल गार्डन्स की जानिब रुख करते हैं।
ऑटम जो सीज़न है बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब सीज़न होता है ऑटम। अगर कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे जो चार डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं तो ऑटम जो है ऑटम की ब्यूटी ही अलग है। जैसे स्प्रिंग हर एक सीज़न यहाँ पे बेहतरीन होता है और पर्टिकुलरली ये जो जहाँ आप बैठे हैं इस वक्त मुगल गार्डन्स, तो ये ऑटम में व्यू ही अलग होता है ऑन पर्टिकुलरली ऑन अकाउंट ऑफ जो चिनार है। चिनार देखने लोग फार ऑफ प्लेसेस जाते हैं। जिस तरह से जिंदगी में छोटे बड़े महाज आते जाते रहते हैं फिर भी जिंदगी चलती रहती है, ठीक उसी तरह बहार के बाद खिजा के दौरान भी वादी का नजारा बदला सा भले ही लगता हो लेकिन इसका अपना अलग ही चार्म है जिससे रूबरू होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह इन दिनों यहाँ आ रहे हैं। हल्की हल्की ठंड के इस मौसम में जमीन पर गिरे चिनार के पत्तों के साथ सयाह अपने और अपने अजीजो अकारिब के साथ बिताए लम्हों को यादगार बना रहे हैं। इस मौके पर ये लोग सैरो तफरी और फोटो शूट्स का भरपूर मजा ले रहे हैं। हमने बहुत एंजॉय किया है, पिछले सात दिन से कश्मीर में हैं और जितना है एंजॉय किया आज तक कभी नहीं किया है। बहुत शानदार हमारा ट्रिप रहा है, तो बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा है। कश्मीर आना ही चाहिए, वो तो सबको यहाँ पे आना ही चाहिए। ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस है तो उनको विजिट करना ही चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे और है अच्छे हैं लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर सैरो तफरी, एडवेंचर स्पोर्ट्स और ऐसी कई एक्टिविटीज मौजूद हैं जिनका सयाह एक बार तजुर्बा हासिल करना चाहते हैं। वादी में कुदरत की बेपनाह खूबसूरती के दरमियान कश्मीरी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते हुए अपनी छुट्टियां एंजॉय करने का अपना अलग ही मजा है। शायद यही वजह है कि इस मौसम में भी टूरिस्ट वादी के खुशनुमा और पुरसकून माहौल में बार बार आने के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं। कश्मीर इज रियली रियली वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल एंड मैं ये सेकेंड विजिट कर रही हूँ और ये एक फैसिनेशन है कश्मीर का जो मुझे दूसरी बार यहाँ पे खींच के लेके आया है। स्नोफॉल का अपना एक मजा है और ऑटम में ये जो पत्तों पे जो ये पीलापन आ गया है और ये जो खुशनुमा कर रहा है माहौल को और मौसम को और मन को, वो बात जो है वो आज बहुत ज्यादा अपील कर रही है। तो वी आर विद फैमिली एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। जम्मू कश्मीर में इस साल के शुरुआती वक्त में टूरिस्टों के पहुंचने का आंकड़ा भले ही कम रहा हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीजन के परवान चढ़ने के साथ सयाहों की आमद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज किया गया जो अभी भी बढ़त का आंकड़ा कायम रखे हुए है और आने वाले विंटर सीजन में भी इस बात की उम्मीद है कि सयाह बड़ी तादाद में यहाँ रागिब होंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है, तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागिन ट्वीट किया है कि जिला हुंजा के खूंजरेब इलाके में हिमालयन आईबैक्स का गैरकानूनी शिकार करने पर 3 मकामियों को गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर सजाद रजा ने ट्वीट किया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहां तमाम सरकारी गाड़ियों का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तान की जानिब से यहां के सियासी रहनुमाओं को बदनामी करने का सर्टिफिकेट है और इसके बदले में पाकिस्तान खुले हाथों से हमारे कुदरती वसाइल लूटता है। बख्तावर शाह ने ट्वीट किया है कि नौकरियों की शदीद कमी और पढ़ाई लिखाई के दबाव की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में खुदकुशी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वजीर आला हमारे लोगों को बचाइए वरना डेथ रेट में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर श्रीनगर ने ट्वीट किया है कि #progressingjk डीसी श्रीनगर ने जल जीवन मिशन के तहत कामकाज का जायजा लिया। डीसी के मुताबिक इस मंसूबे के मकसद को पूरा करने में पानी समितियों की ओर से की गई क्वालिटी टेस्टिंग काफी अहम है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के मौके पर तालिब इल्मों की हौसला अफजाई और उनकी सख्त मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। हमारे होनहार तालिब इल्म ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं और अच्छी एजुकेशन पॉलिसियों से उनका मुस्तकबिल संवरता है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि गुलमर्ग में खूबसूरत कॉटेज के जरिए पूरे एशिया में सबसे अच्छी विंटर वेकेशन और भी मजेदार बनती है।
आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नशर की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाजिन, गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत की पिस्ताई मोदी हुकूमत ने शहरी आबादी के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। पीटीवी चैनल को अपने आका पाकिस्तान की तरह ही दूसरे मुल्क खास तौर से भारत के अंदरूनी मामलात में दखल देने और उसे अपने निजी फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बुरी आदत लगी हुई है। ये बात जानते हुए भी कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, वो बिना किसी सबूत के बेबुनियाद इल्जाम लगाता रहता है। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और ये बात इस्लामाबाद हुकूमत को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो बेबुनियाद बयानबाजी करते हुए कश्मीर मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश में लगा रहता है। गुज़श्ता कुछ वक्त से गिलगित बल्तिस्तान के आवाम एक नई तरह की मुसीबत का सामना कर रहे हैं, खासतौर से जिला हुंजा और रोंदू के आवाम को इस मुश्किल का सामना है। दरअसल ये लोग हौलनाक जलजले और उससे पैदा होने वाले धमाकों से खौफ और दहशत में जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। लोगों की परेशानियां देखने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान मुस्तैदी दिखाने की बजाय लापरवाही से काम ले रहे हैं। इन मुश्किल हालात में जिला हुंजा के आवाम अचानक आ रहे झटकों और धमाकों की असल जांच पड़ताल करवाने का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि वक्त रहते ये लोग आइंदा वक्त में किसी भी हादसे से अपना बचाव कर सके। आवाम का सवाल है कि अगर ये जलजले के आफ्टर शॉक्स हैं तो ये कब तक आते रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाए और आवाम के पास संभलने का भी वक्त ना हो। जिला हुंजा के गोजाल तहसील के नशेबी इलाकों में मकामी लोग कुदरत की दोहरी मार झेलने पर मजबूर हैं। यहाँ पर एक तरफ मौसम सरमा का असर बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अचानक आने वाले जलजले के झटकों और जमीन में पैदा होने वाले धमक से घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इलाका मकीन अपने घरों के बाहर सर्दी का असर देख रहा है तो चार दीवारी के भीतर डर से परेशान हैं कि आने वाले दिन किस तरह से बिताएंगे। जो जेर जमीन ये धमाका हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं इससे। इससे पहले 2010 में ये धमाके होते रहे वक्फे वक्फे से, लेकिन कम होता था, कम आवाज़ें आती थी, लेकिन आजकल कोई 3 महीने से मुसलसल इतनी शदीद धमाके हो रहे हैं। सुबह शाम बच्चे भी डरते हैं, ऐसी आवाज़ें आते हैं कि हमारे मकानों में पूरे दरारे पड़ गए हैं और शीशा लरज जाते हैं। गुज़श्ता 3 महीनों से हुंजा के गुलमित, गोजाल, गोजालवान और ऐसे ही कई इलाकों में रह रहकर जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। परेशान हाल अवाम ने अपनी और अपने अजीजों अकारिब की सलामती के लिए हुकूमत से इन खौफनाक वाकयात की जांच पड़ताल करवाने का मुतालबा किया। ताहम सुस्त रवि की शिकार हुकूमत ने बढ़ते दबाव के एवज में खानापूरी करने वाला सर्वे करवा तो दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट को ही दबा दिया है। हुकूमत के इस गैर जिम्मेदाराना कदम ने हुंजा के आम लोगों की बेचैनी को मजीद बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें यह खबर मिली कि जियोलॉजिकल इनकी सर्वे हो गई है, तो लोगों में अभी तक खौफ हरास मौजूद है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि वो मंजर आम पर वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई, ताकि अगर कोई ऐसा ना हो या आताबाद लेक डिजास्टर के बाद जो है हम किसी और डिजास्टर का वो ना बने। हुंजा से लेकर रोंदू वैली तक मुतासिर लोग इस कदर खौफ में हैं कि जमीन पर होने वाली हल्की सी धमक से बिल्कुल घबरा जाते हैं। घर की दरो दीवार तबाह हो चुकी है और यहाँ तक की खिड़कियां तक लरज गई हैं। ऐसे में इलाका मकीनों का ना तो हुकूमत के दिए खेमों में ठीक से गुजारा हो रहा है और ना ही घर की खस्ता हालत देखकर उनमें रहने की हिम्मत होती है। अवाम हुकूमत से सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसे में हम लोग जाएं तो कहां जाएं? पब्लिक बड़े परेशान है इस धमाकों की वजह से, तो हुकूमत को चाहिए कि इसका जो रिपोर्ट है वो पब्लिक किया जाए,
ताकि लोगों को पता चले कि कोई इसका नुकसानात कोई ये वो तो ज़्यादा नहीं होंगे। तो लोग इस वजह से परेशान है कि बाद में कोई बड़ा डिज़ास्टर ना हो, ताकि लोगों को मुतमईन करने के लिए वो रिपोर्ट जो है पब्लिक करने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी देखी जा रही है। मौसम के मिजाज में शदीद ठंडक है और आम लोग, खासकर बच्चों खवातीन का घर से बाहर हुकूमती खाना पूर्ति करने वाले टेंटों में गुजर बसर करना काफी मुश्किल है। अवाम कुदरत से कम, हुकूमत की नाअहली से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और दरपेश दिक्कतों का हल निकालने के लिए हुकूमत से दरियाफ्त कर रहे हैं। मुझे यूं महसूस हो रहा है कि मेरे घर के नीचे जो कोई धमाका हो रहा है, इस तरह बहुत सारे पूरा जो गोजलवान का एरिया है शीशगढ़ से लेके पसू तक लोगों में जो है एक बेचैनी है, एक परेशानी है। तो मैं लोकल इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करें ताकि इसका रिपोर्ट पब्लिक हो जाए, ताकि लोगों के जो परेशानी है वो कम हो। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजले और वक्तन फवक्तन आने वाले हादसात, ये इस बात का वाज़े इशारा हैं कि कुदरत से खिलवाड़ करने का नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। क्योंकि ये हादसे भले ही कुदरती हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पीछे इंसानी लालच भी छिपी है। यहाँ पैसों की हवस के चलते सालह साल से दरख्तों की बेधड़क कटाई जारी है। सीवरेज का पानी दरियाओं में छोड़कर उनको आलूदा किया जा रहा है, जिसे हुकूमत चाहती तो वक्त रहते रोक सकती थी, लेकिन अफसोस ऐसा न हो सका, जिसका खामियाजा हम सबके सामने आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के दूर दराज देही इलाकों के आवाम तक मुख्तलिफ मंसूबों का फायदा पहुंचाने के लिए पंचायती राज निजाम अपना किरदार नहायत जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहा है। इसके तहत आवाम के मुंतखब नुमाइंदे गांव गांव घर घर जाकर लोगों की जिंदगी में मसले मसाइल को दूर कर रहे हैं। इसकी मिसाल इन दिनों सरदी जिला राजौरी के देही इलाकों में पंचो सरपंच की जानिब से किए जा रहे तामीरों तरक्की कामों से मिल रही है, जिनकी मेहनत और सूझबूझ की बदौलत हर तरफ तरक्याती काम देखने को मिल रहे हैं। ये है राजौरी का ब्लॉक सेरी। यहाँ पर पंचायती राज निजाम के तहत मुंतखब अवामी नुमाइंदों के जरिए तामीरों तरक्की के कामों का फायदा लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इसके लिए ग्राम सभा के मेंबरों के चुने गए तामीराती कामों को पूरा करने में जिले इंतजामिया की ओर से पूरा ताउन दिया जा रहा है। लोगों की जरूरत के मुताबिक कच्चे रास्तों को पक्की सड़कों में तब्दील करने और उन्हें हाईवे से जोड़ने का काम तेजी से जारी है। रोडें इतनी बन चुकी हैं कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये रोडें इतनी आएंगी। इतनी रोडें बन चुकी हैं कि हर हर मोहल्ले में रोड जा चुकी है इस समय, और हमें इतना लोग खुश हैं इस चीज से। आप ही खुद निकलेंगे अभी शायद यहाँ से पार चले जाओगे, आप वहाँ से होते हुए देखो कितने रोड़े आगे बढ़ गया। यहाँ से निकलोगे आगे तो फिर भी आपको आगे रोड़े इतनी मिल जाएंगी, जिधर मर्जी चले जाओ लिंक जाकर हाईवे के ऊपर पहुंच जाए। राजौरी में शहरों की तरह ही स्कूल, पंचायत घर, कम्युनिटी हॉल और दूसरे इज्तिमाई इमारतों का तामीराती काम जोर शोर से पूरा किया जा रहा है। दरअसल सरहद के पास देही इलाकों में बिजली पानी की सप्लाई, तालीम व तिब्बी सहूलियात, घरों के आसपास साफ सफाई और कई इज्तिमाई इमारतें तैयार किया जाना इलाका मकीनों के लिए नहायत जरूरी मामला रहा है। इसलिए सरहद के करीब रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए इंतजामिया पुरजोश तरीके से कार्य फरमा है। इन्हीं मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि मकामी लोगों के लिए जरूरी सहूलियात का बंदोबस्त किया जा रहा है।
रहे हैं यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है नीचे तला डामरी जो दंदानी का ब्रिज है, ये हमारे दो ब्लॉक बॉर्डर बेल्ट सेरी और लंबेड़ी को जो है ये ब्रिज जोड़ता है। तो बॉर्डर के लोग जो है यहाँ से मतलब कलाल तक के लोगों को इस पुल के बनने से जो है वो फायदा हुआ है। बाकी छोटे छोटे काम जो है डेवलपमेंट्स के हमारी यही कोशिश है कि दिन रात वो तेजी से हो रहे हैं। तो हम जो है मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में पंचायती थ्री टायर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया और पंच सरपंच वीडीसी डीडीसी मिलकर सब इतने डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ लंबेड़ी में ट्रामा हॉस्पिटल एग्रीकल्चर बिल्डिंग मतलब बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। हालिया बरसों में जैसे जैसे पंचायती राज निजाम को सियासी और इक्तिसादी तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है वैसे वैसे पंचायत लेवल से ही अवामी नुमाइंदों के काम करने के अंदाज में मुस्बत तब्दीलियां आती जा रही हैं। अब इसे इन लोगों की कामयाबी ही मानी जाएगी। जब एमजी नरेगा, पीएमएवाई, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना और ऐसी कई कौमी मंसूबों को ग्रास रूट लेवल पर कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, इनसे देही इलाकों में रहने वाले लोगों की मयारी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। अब दीगर शहरों की तरह मिलने वाली तमाम तर सहूलियात से देही इलाकों के लोग भी अपनी जिंदगी में आसानी की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। बैक टू विलेज और पीएमएवाई का वो भी लगभग 2 करोड़ रुपया हमारे पंचायत में आया जिससे काफी डेवलपमेंट हुई, लेकिन अभी कुछ मकान रह गए हैं पीएमएवाई के थ्रू जो बनने थे वो सर्वे में नहीं है। लिहाजा हमने जनाब डीसी साहब गवर्नर साहब से गुहार लगाई थी कि हमें थोड़ा टाइम दें ताकि जो लोग रह गए हम उनका भी सर्वे करवा सकें। ऐसा कहा जाता है कि मुल्क की असल तरक्की देही इलाकों की तरक्की से ही जुड़ी हुई है और तरक्की की इन मुस्बत तब्दीलियों से लोगों को जोड़ने के लिए पूरा सरकारी अमला और अवामी नुमाइंदे पुरजोर तरीके से अमल पैरा हैं। गांवों की बदलती तस्वीर से मकामी लोग भी काफी मुतमईन हैं। नाज़रीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।